अगर दुनिया में कहीं जन्नत है तो बस यही है। कश्मीर की वादियों को लेकर कही ये बात आज भी लागू होती है, लेकिन यहाँ तक आराम से आने का लुत्फ आप सिर्फ गर्मियों में ही उठा सकते हैं। मौसम का मूड बदलते ही तस्वीरें बदल जाती हैं। ये ठंड की ठोकर है जो सड़कें जमाती हैं, कोहरे से अंधा करती है और कश्मीर की वादियों को देश से काटने की कोशिश करती है। सेना से लेकर सिविलियंस तक ठंड में हर कोई मौसम के मिजाज से मजबूर है। कैसा हो अगर कश्मीर घाटी के पश्चिमी छोर बारामूला से भी देश के किसी भी कोने तक किसी भी मौसम में पहुंचा जा सके, वो भी सुहाने सफर का लुत्फ उठाते। कश्मीर टू कन्याकुमारी वाया कोंकण रेल के रास्ते इस सफर का सपना अब जल्द ही पूरा होने वाला है। एक ऐसा सफर जिसमें सिर्फ देश के अलग अलग नजारे ही नहीं, टेक्नोलॉजी के भी कई कमाल देखने को मिलेंगे। ऊंचे दर्रे 110 किलोमीटर की रफ्तार, लंबी सुरंगों में अंधेरे से लुका छिपी हवा से बातें करती कोंकण रेलवे अब कश्मीर में भी दिखेगी। डेडलाइन है 2017 की। वैसे तो कश्मीर घाटी में ट्रेन आ गई है और बाकायदा बारामूला से काजी गुंड तक ट्रेनें भी चल रही हैं, लेकिन काजी गुंड को उधमपुर से जोड़ने वाली आखिरी कड़ी फिलहाल बाकी है, जिसके पूरा होते ही देश के उत्तर में हिमालय की चोटियों से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक रेलगाड़ी का रास्ता खुल जाएगा। हमारा सफर उन पहाड़ों की तरफ शुरू होता है जहाँ से कश्मीर को जोड़ने वाली रेल की पटरी गुजरने वाली है। ऐसे पहाड़ों से कोंकण रेलवे की बड़ी पुरानी पहचान रही है, जिनका दामन थाम कर इसने पूरे पश्चिमी घाट का सफर तय किया। लेकिन यही पहाड़ अब सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़े हैं। जम्मू और मिडिल हिमालय रेंज देखने में जितनी भी बड़ी लगती हो, लेकिन डोलोमाइट और चूना पत्थर से भरे ये पहाड़ अंदर से काफी नाजुक हैं। यही वजह है कि यहाँ बड़ी बड़ी चट्टानें नहीं मिलती, बल्कि नाजुक चट्टानों की परत दर परत सजी लगती है। इन रास्तों से गुजरना किसी डरावने सफर से कम नहीं। ऐसे में जब कभी मौसम का मूड बदलता है तो पहाड़ों से चट्टानें खिसक कर ट्रैफिक का चक्का जाम कर जाती हैं। रास्ता ठीक होने तक गाड़ियों की एक लंबी कतार लग जाती है। ये बात तो हमें बाद में पता चली कि पहले तो यहाँ ये सड़क भी नहीं थी और खड़ी चढ़ाई चढ़ने के लिए तो जानवरों के अलावा कोई साधन ही नहीं था। शुरुआत में यहाँ इंजीनियर टट्टुओं की पीठ पर सवारी गांठ कर आए थे। पहला कदम हमारा यहाँ पर कंथान से कौड़ी तक हम लोग पोनी पर आए थे। हमको यहाँ आने में 6 घंटे लगे थे। और अगर आज हम देखें तो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट रोड्स बने हैं, जो दूसरी यहाँ पर रास्ते बने हैं, उनसे ईज ऑफ एक्सेस कितना हुआ है, समय की बचत कितनी? अभी जब हम लोगों ने यहाँ पर कच्ची रोड बनाई थी तो हम यहाँ आने में हमको करीब 2 घंटे लगते थे। अभी जब ये रोड पक्की हो जाएगी तो हमको 1 घंटा लगेगा यहाँ। इंसान तो फिर भी जैसे तैसे चले आए, लेकिन ये भारी ट्रक और क्रेन्स यहाँ तक कैसे आते? अगर हैवी वेट उठाने वाले हेलीकॉप्टर्स नहीं होते तो? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नागेंद्र ऐसे ही एक हेलीकॉप्टर हादसे में बाल बाल बचे हैं। जम्मू हेलीपैड में जस्ट टेक ऑफ किए ही थे, कुछ 40 फीट ऊपर गए थे तो एकदम से वो कंट्रोल के बाहर चला गया, काबू के बाहर चला गया पायलटों के, तो रनवे छोड़ करके हम साइड में जो घास था, वो गीली घास था, उस पर क्रैश कर गए। एंड वी वर कैरिंग 15 टन्स लोड इन दैट सॉर्टी, सो इट वाज अ मिरेकुलस एस्केप। हम पहली सुरंग के स्पॉट पर पहुंचे हैं तो धूप छांव की लुका छिपी के बीच मौका तलाश कर बादल भी बरसने लगे। कश्मीर की इन खूबसूरत लेकिन खतरनाक वादियों में धूप छांव और मौसम लगातार दगा देते रहते हैं, लेकिन यहीं पर बाकायदा 5 साल में रेल के डिब्बे और इंजन धड़ाधड़ गुजरते रहेंगे। सामने जो आप ढांचा देख रहे हैं, एक पुल का है जो दो पहाड़ों के बीच में से और सुरंगों से होकर गुजरेगा, लेकिन इन घाटों में जहाँ पर एक गाड़ी चलाकर आने में मुश्किल थी, वहाँ पर बड़ी बड़ी क्रेन्स और गर्डर्स कैसी लाई गई, उनके लिए भी पहाड़ से एक सड़क काट कर सारी शुरुआत करनी पड़ी। बिल्कुल जिसको कहते हैं शून्य से पूरी शुरुआत थी। ये जो पूरा पहाड़ है, इनमें से रास्ता काटना अपने आप में एक दिलचस्प कहानी थी। उसके आगे से खेल पहाड़ के अंदर शुरू होता है जहां पर सुरंग काटनी पड़ती है। ये पूरा खेल कैसे शुरू होता है आपको दिखाते हैं। हमारी गाड़ी एक अंधे कुएं में आगे बढ़ती है।
दिन रात गर्मी या जाड़ा ये सब बाहर के लिए हैं, यहाँ तो अंदर सिर्फ अंधेरा है और उमस भरा शोर। चट्टाने ढह जाएं तो जिंदगी को गुड बाय कहने का भी वक्त नहीं मिलेगा। सामने आप जो अंधेरा देख पा रहे हैं उसमें ऐसी रोशनी में दिन रात काम चलता है जिसमें सैकड़ों लोग शिफ्ट्स के अंदर काम करते हैं 24 घंटे हफ्ते के सातों दिन। खतरे यहाँ पर कम नहीं है। अगर आप मेरे हाथ में देख पाएंगे तो जिस तरह से चट्टान का बूरा मेरे हाथ में आपको दिखाई दे रहा है, पूरा का पूरा पहाड़ इतना महीन है, इतना नाजुक है कि अगर थोड़ा सा जोर डाला जाए तो पूरी की पूरी चट्टान ढहने का खतरा है। इससे किस तरह से निपटते हैं बात करते हैं कंसल्टेंट से यहाँ पर। जैसे खजूरिया, यहाँ पर क्या क्या खतरे हमें झेलने पड़ते हैं? इसमें हमें हर तरह की एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं। जैसे सबसे पहले हम यहाँ पे रॉक मास देख के, अगर वो सख्त रॉक है तो हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन रहता है, और अगर वो लूज है तो हमारे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। इसमें जो शीर सीम्स हैं ये कभी भी गिरती हैं, गिरने की वजह से वो कैविटी का रूप भी ले लेती हैं। कभी कभी कैविटी एक मतलब कि अंदर तक लूज मास गिरना शुरू हो जाता है। कोंकण के अपने होम ग्राउंड पर कोंकण रेलवे के पास ऐसी समस्याएं नहीं थी, वहां पर बस पहाड़ कुरेद दिया और उसी जगह वो खड़ा रह पाता था। यहां पर आपको इसी तरह ऊपर देखेंगे तो जो पसलियां कॉन्क्रीट की और लोहे की बनी है इनके सहारे एक पिंजरा बनाकर उसके भीतर कॉन्क्रीट का एक लेप डाला जाता है, जिसकी वजह से लंबे तौर पर स्थायी तौर पर ये पूरी की पूरी असेंबली, पूरा का पूरा टनल 100 से 120 साल तक ऐसा ही स्थिर रहेगा। एक सुरंग छोड़ी तो दूसरी सुरंग सामने मुंह फाड़े खड़ी है। कोकण की कहानी कश्मीर में किस तरह दोहराई जाएगी मॉडल हमें बता रहा है। रियासी स्टेशन यार्ड की ये प्रतिकृति है जिसमें आप देख पाएंगे एक ट्रेन है, एक सुरंग से निकली नहीं कि दूसरी सुरंग तक पहुंचने के लिए उसको एक ब्रिज पर से गुजरना होगा। यही नज़ारा हम कोकण में देखते हैं। कश्मीर की पहाड़ियाँ जो सामने आप देख पा रहे हैं उस पर बिल्कुल यही मॉडल इसी तरह चलने वाला है। इस सुरंग तक पहुंचने के लिए स्क्रीन की दाईं तरफ जो एक पहाड़ है वहां से उसको निकलना होगा और इसके बीच का ये जो ब्रिज है इसको बांधने का काम यहां पर चल रहा है। 2017 तक लाइन कमीशन होने वाली है जिसके बाद दो सुरंगों के बीच से ट्रैफिक का नजारा गुलजार होगा। Do you have the NDTV Profit app? All the markets, all the news and your own homemade, ready-made portfolio available there for you. We will right now answer what you should sell, what you should buy when markets are down. Download at ndtvprofit.com/apps. Get the best app from the channel you trust.